नमस्ते साथियों, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में यह एफएलएम मेला रिपोर्ट कार्ड। और इस रिपोर्ट कार्ड में जो कुछ भी दिया गया है, किस तरह से इसको भरना है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देंगे। दिशा निर्देश आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, यह राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 26 जुलाई 2023 को जारी किया गया है और विस्तार के साथ पूरी जानकारी दी गई है कि किस तरह से एफएलएम मेला का आयोजन होगा। तो इस वीडियो में हम रिपोर्ट कार्ड में जो दी गई जानकारियां है, इसके बारे में, इस पत्र में जो पूरी विस्तार के साथ जानकारी दी गई है, जानने का हम प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो इस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से सबसे पहले आपको करना होगा पंजीयन, अर्थात विद्यार्थी की माता अपने बच्चे को लेकर आएंगी और अन्य लोग भी एफएलएम मेला में उपस्थित होंगे। तो बच्चे का पंजीयन करना है, बच्चे से जानकारी पूछना है, जैसा कि यहां पर पूछा गया है कि बच्चे का नाम, तो यहां पर बच्चे से पूछ करके बच्चे का नाम यहां पर अंकित करेंगे। इसके पश्चात बच्चे से ही उनकी माता का नाम पूछेंगे और यहां पर अंकित करेंगे। फिर विद्यालय का नाम, ठीक है, यहां पर अंकित किया जाएगा। फिर कक्षा और यहां पर तिथि, यानी 14 सितंबर 2023। तो इस तरह पंजीयन हो जाएगा और यह है रिपोर्ट कार्ड। और इसी रिपोर्ट कार्ड में सारी गतिविधियां दी गई हैं, जैसा कि दिशा निर्देश के संदर्भ में हमने चर्चा की थी। आप देख रहे हैं दिशा निर्देश, और इस दिशा निर्देश में जो विस्तार से जानकारी दी गई है, ठीक है, इसके बारे में भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और यहां पर देखिएगा, ये रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताया गया है, क्योंकि इस रिपोर्ट कार्ड में जानकारी दी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर जो भी गतिविधियां, शारीरिक गतिविधियां, ठीक है, यहां पर भाषा विकास की गतिविधियां और इस तरह से आगे जो अन्य गतिविधियां हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये सारी जानकारियां इस रिपोर्ट कार्ड में है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अगले प्रश्न पर देखते हैं हम। यहां पर दिया गया है शारीरिक विकास, आप देखेंगे यहां पर ये दिया गया है शारीरिक विकास। तो 6 स्टार लगाए जाएंगे, ठीक है, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं शारीरिक विकास, फिर ये बौद्धिक विकास, फिर यहां भाषा विकास, और यहां पर देखेंगे आप गणित की पूर्व तैयारी। और पीछे के प्रश्न पर आप देखेंगे तो बच्चों का कोना, ठीक है, तो यहां पर रंग भरना और ये भाषा विकास और लिखना, ठीक है। तो पहले स्टाल की हम बात करें तो शारीरिक विकास के अंतर्गत संतुलन बनाकर चलना, इसके अंतर्गत एक सीधी रेखा और एक टेढ़ी रेखा जमीन पर बनाई जाएगी, ठीक है। निश्चित तौर से आप लोगों ने YouTube लाइव प्रोग्राम राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो किया गया था उसको देखा होगा। तो उसमें एक सीधी रेखा और एक तिरछी रेखा, इस प्रकार से रेखा बनाई जाएगी और उस पर बच्चे को चलकर दिखाया जाएगा पहले, इसके पश्चात बच्चा संतुलन बनाते हुए चलेगा, ठीक है। यदि बच्चा चल लेता तो यहां पर टिक लगा देंगे, फिर हम दूसरा टास्क देंगे तिरछी रेखा पर चलने का, इस पर भी चल लेता है तो हम यहां पर टिक लगा देंगे। इसके पश्चात सिर पर पुस्तक रखकर संतुलन बनाकर सीधी रेखा में चलकर दिखाएगा बच्चा, यदि चल लेता है तो इस पर भी टिक लगा देंगे। यदि बच्चा नहीं कर पाता है तो ऐसी दशा में कोशिश जारी है, यहां पर टिक लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ संतुलन बनाकर चलना। दूसरा है कूदना, ठीक है, तो इस प्रकार कूदना, बच्चे कूद कर दिखाएंगे। फिर ये गोला है, गोले के अंदर कूदेंगे और गोले से बाहर कूदेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यदि बच्चा कूदता है तो इस पर टिक लगाया जाएगा। ये जो स्तर है, सरल स्तर है, फिर थोड़ा कठिन स्तर, फिर उससे कठिन स्तर, इस प्रकार से प्रत्येक जो गतिविधि है वो सरल से कठिन की ओर चलेगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां कूद कर दिखाएगा बच्चा, इसके पश्चात यहां रस्सी कूद कर दिखाएगा। यदि कर लेता है बच्चा तो यहां पर जो ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में टिक लगाना है, ठीक है। यदि नहीं कर पाता है तो कोशिश जारी है पर टिक लगाना है। यदि मान लो पहला टास्क पूरा करे तो यहां पर टिक लगाना है, दूसरा यदि नहीं कर पाता तो नहीं लगाना है। जिस गतिविधि को बच्चा पूरा कर लेता है, जिस टास्क को पूरा कर लेता है, वहीं पर केवल टिक लगाना है। अगला है पेपर फोल्डिंग, तो पेपर फोल्डिंग के अंतर्गत इस प्रकार से पेपर फोल्डिंग करना है, ठीक है। यदि कर लेता है टिक लगाना है, यहां आलमारी बनाई जाएगी तो इस पर टिक लगाना है, फिर तीसरे टास्क में नाव बनाई जाएगी। तो यदि ये कर लेता तो क्या करना है, टिक लगाना है। और वैसे भी YouTube लाइव प्रोग्राम में बताया गया है कि यदि बच्चे ये पेपर फोल्डिंग में नाव बनाना वगैरह थोड़ा कठिन हो सकता है तो इसमें जो अभिभावक है यानी माता है वो सहायता कर सकती है, ठीक है। इसके पश्चात आता है बौद्धिक विकास, तो बौद्धिक विकास में भी यहां पर चार दिया गया है, चार तरह की गतिविधियां दी गई है, मिलान करना, रंग पहचान, वर्गीकरण और क्रम से लगाना, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे
तो ये जो सरल गतिविधि मिलान करने के लिए सरल गतिविधि दी गई है, फूल से फूल का मिलान करना है ना, जैसे यहाँ फूल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ प्याज दिया हुआ है, ये फल दिया हुआ है, ठीक है, मिर्च दी गई है, तो इससे मिलान करना है। हम अपने स्तर से फूल पत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, हमारे परिवेश में जो कुछ भी पाई जाती हैं उनका प्रयोग करना है। फिर इस तरह से यहाँ थोड़ा कठिन टास्क दिया गया है, या फिर हम इसके कार्ड का प्रयोग, यहाँ पर हम कार्ड का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, जैसे कि ये चित्रों के जो कार्ड है इनका प्रबंध करके रखे और इनका मिलान कराया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा कठिन स्तर है। फिर सबसे कठिन स्तर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो इस तरह से बच्चे से मिलान करवाना है, इसी कार्ड में मिलान करवाना है, जैसा कि यहाँ एक उदाहरण के रूप में बताया गया है कि तो शेष को बच्चा ही मिलान करेगा, ठीक है। पेन पेंसिल का प्रयोग किया जा सकता है, आगे हम देखेंगे। तो अगला है रंग पहचान, ठीक है, तो रंग पहचान में यहाँ पर दो रंगों की जानकारी दी गई है, ठीक है, यदि इनको पहचान है तो यहाँ पर टिक लगाया जाएगा। फिर अगले इसमें चार रंग दिए गए हैं और अगले इसमें छह रंग दिए गए हैं, तो बच्चा सरल से कठिन की ओर चलेगा और जहां तक कर पाता है उस पर हम टिक लगाते चलेंगे, यदि नहीं कर पाता है तो यहां पर कोशिश जारी है पर टिक लगाया जाएगा। फिर यहां आता है वर्गीकरण, वर्गीकरण में यहां पर देखिएगा ये दिया गया है, वर्गीकरण में तो ये जैसे एक प्रकार का फल है और एक दूसरे प्रकार का ये है, ठीक है, चित्र है, तो यहां पर इसमें इसको लगाया जाएगा, ठीक है, हम इसी प्रकार से हमारे परिवेश से प्याज है, आलू है, जो भी फल फूल हमारे पास प्राप्त होते हैं, ठीक है, फूल वगैरह प्राप्त होते हैं, तो उनका जो वर्गीकरण है वो सरल तरीके से करेंगे, ठीक है। यहां पर तीन दिए गए हैं, यहां पर जैसे फूल पत्ती फल हम ले सकते हैं या पत्थर कंकड़ पत्थर ले सकते हैं, तो जो हमारे परिवेश में है उसको हम लेकर के वर्गीकरण करवा सकते हैं। तो इस तरह यहां पर तीसरे खंड में आप देखेंगे तो थोड़ा सा कठिन स्तर दिया गया है, यहां पर हम कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ जो पक्षी का कार्ड है कहना चाहिए, ठीक है, और यहाँ जो दिए गए कार्ड है उसके आधार पर हम वर्गीकरण करवा सकते हैं, ठीक है। यदि बच्चा कर लेता तो टिक लगाना है, नहीं कर सकता है या तीनों को नहीं कर पाता फिर यहां पर कोशिश जारी पर टिक लगाया जाएगा। कोशिश जारी है पर कब टिक लगाया जाएगा, जब तीनों में से किसी को भी नहीं कर पाता है, यदि एक भी कर लेता है तो फिर उस पर टिक लगाया जाएगा, ठीक है, इस पर टिक नहीं लगाया जाएगा, यदि तीनों में से किसी को भी नहीं करता है तब कोशिश जारी है पर टिक लगाना है। चौथा है क्रम से लगाना, तो क्रम से लगाने में आप देखेंगे यहां पर एक चम्मच दी गई है, लकड़ियां दी गई हैं, इसी प्रकार का उपयोग हम कर सकते हैं हमारे परिवेश से वस्तुएं प्राप्त करके, ठीक है, और यदि क्रम से बच्चा लगा लेता है छोटी से बड़ी की ओर या बड़ी से छोटी की ओर, तो इस प्रकार हम टिक लगाते चलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ बौद्धिक विकास के अंतर्गत। अगला आता है भाषा विकास, तो भाषा विकास में आप देखेंगे यहां पर तो इसमें अच्छा किया के अंतर्गत तीन खंड दिए गए हैं और प्रत्येक में आप देखेंगे तो अच्छा किया के तीन खंड हैं, कोशिश जारी के लिए एक खंड है, ठीक है, आप देखेंगे यहां पर। तो यहां अच्छा किया के अंतर्गत कोई पांच चीजें पूछे, यानी यहां चित्र दिए गए हैं, आप किसी कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं या किसी अन्य पुस्तक से किसी चित्र का प्रयोग कर सकते हैं भाषा विकास के लिए, और उसकी जानकारी पूछ सकते हैं, पहले सरल है फिर थोड़ा कठिन है, ठीक है, और फिर उसे कठिन है। तो पहले इसमें क्या दिया, कोई पांच चीजें पूछे, यानी कोई पांच चीजों के बारे में पूछना है, बच्चा बता देता है तो यहां पर टिक लगाना है। फिर अगले खंड में अपने मन से कोई पांच चीजें, यानी अपने मन से पांच चीजें बच्चा बताएगा, यहां पर हम पूछेंगे ये क्या है ये क्या है ये क्या है, ऐसा पूछ सकते हैं, किंतु यहां पर बच्चा मन से पांच चीजों का नाम बताएगा और अगले खंड में चित्र में क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी देगा। तो इस तरह से यदि बच्चा क्रमशः कर लेता है तो हमको इस बॉक्स में टिक लगाना है, और यदि तीनों में से किसी किसी को भी नहीं कर पाता है तो फिर कोशिश जारी पर टिक लगाया जाएगा, किंतु एक को ही कर लेता है तो केवल उस पर टिक लगाया जाएगा। अगला है पढ़ना, तो पढ़ना के अंतर्गत आप यहां देखेंगे म ब क ज र, ये पांच पढ़ लेता है मान लो तो इस पर टिक लगाया जाएगा। अगले इसमें आता है शब्द, शब्द पढ़ लेता है तो इस पर टिक लगाया जाएगा, और फिर आता है वाक्य, ठीक है। तो इस तरह से सरल से कठिन स्तर दिया गया है पढ़ने में भी, तो इस तरह से हमको टिक लगाते चलना है। अगली जो गतिविधि गणित के अंतर्गत आती है, तो गणित की पूर्व तैयारी के अंतर्गत यहां पर चार गतिविधियां दी गई हैं, आप देख रहे हैं चार गतिविधियां, आकार पहचान, गिनना, अंक पहचान, जमा घटा, जमा घटा मतलब ने जोड़ना घटाना, ठीक है, तो ये दिया गया है। तो यहां पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आकार की पहचान, तो भाई यहां पर ये कौन सा आकार है, ये कौन सा आकार है, ये कौन सा आकार है, बच्चे से पूछेंगे, ये गोल बता सकता है, चौकोन बता सकता है, त्रिकोण बता सकता है बच्चा, ठीक है, इसके पश्चात इनकी आकृति के बारे में पूछेंगे। फिर यहां पर थोड़ा कठिन स्तर दिया गया है, ठीक है, तो जिस भी स्तर को पार करते चलता है विद्यार्थी हम उसी स्तर पर टिक लगा देंगे, यदि तीनों में से किसी को भी नहीं कर पाता तो कोशिश जारी पर टिक लगाना है। गिनना के अंदर इसमें गिनवाना है बच्चों को, ठीक है, ये कम को पहले कम गिनवाएंगे, फिर ज्यादा गिनवाएंगे, फिर उससे ज्यादा गिनवाएंगे, ठीक है।
फिर अंक पहचान के अंतर्गत यहां अंकों को पहचान करना है, यहां कुछ कठिन स्तर दिया गया, यहां कुछ कठिन स्तर दिया गया है। फिर जमा घटा में, यहां पर जमा घटा मतलब जोड़ना घटाना में, यहां दो पत्ती और दो पत्ती को जोड़ा तो कितना हुआ, बच्चा बता देता मान लो तो चार हुआ तो सही है। यदि तीन, यहां तीन पत्ती दी गई है और एक पत्ती कम कर दी गई तो कितनी पत्ती बची ऐसा बता देता है तो हमको इसको करेगा कंप्लीट, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। फिर इसी प्रकार यहां थोड़ा कठिन स्तर दिया गया है और यहां पर जोड़ने का स्तर दिया गया है। तो यदि कर पाता है बच्चा तो इस आधार पर ये जो चेक बॉक्स दिए गए हैं इस पर टिक लगाते चलना है, नहीं कर पाता है तो फिर हमको कोशिश जारी पर टिक लगाना है। ठीक है, अगले क्रम पे हम चलते हैं। तो यहां पर दिया है बच्चों का कोना, बच्चों को कोने में शारीरिक विकास के अंतर्गत रंग भरना। यहां बच्चे पहले गोले पे रंग भरेगा तो हम भर सकता है तो टिक लगा देंगे, स्केच पेन ले सकते हैं, है ना, मोम कलर ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं, उसके आधार पर रंग भरवाना है। यहां पर एक फूल का चित्र दिया गया है, इसपे विभिन्न तरह के कलर को कर सकता है विद्यार्थी, यदि कर लेता है तो यहां पर टिक लगाना है। और यहां घर का चित्र दिया गया है, इसमें भी अलग अलग तरीके के रंगों को विद्यार्थी भर लेता है तो इस पर टिक लगाना है। इसके पश्चात अगला क्रम आता है भाषा विकास यानी लिखना। तो यहां अक्षर म दिया गया, म को लिखवा कर देखना है, फिर ब को लिखवा कर देखना है, फिर सरल शब्द, यहां कोई भी सरल शब्द जैसे जल है ना, कल है, छोटे छोटे जो शब्द है उनको हम लिखवा के यहां देखेंगे। लिख लेता है बच्चा तो इस पर टिक लगेगा, और फिर मेरा नाम यानी विद्यार्थी का नाम खुद लिखना होगा उसको, यदि लिख लेता है तो इस पर टिक लगाना है। ठीक है, यहां पर कोशिश जारी है का जो खंड है वो नहीं दिया गया है, जिसको भी कर लेता है मान लो तो उस पर हमको टिक लगाना है। फिर यहां पर अंत में क्या दिया गया है, सामाजिक व भावनात्मक विकास यानी भाव पहचानो। यहां पर बच्चा बता सकता है कि बच्चा हंस रहा है, खुश है तो टिक लगाना है, यहां पर बच्चा उदास है, ठीक है, दुखी है तो यहां पर टिक लगाना है, यहां गुस्से में है या क्रोध में ऐसा बताता है तो हमको यहां पर टिक लगाना है, या बच्चा रो रहा है ऐसा बताता है तो टिक लगाना है। तो जिस चित्र के बारे में बता पाता है तो उस पर ही टिक लगाना है। और अंत में यहां पर आप देखेंगे माँ के हस्ताक्षर है अंगूठे के निशान, यानी बच्चे की जो माता है उसके यहां पर हस्ताक्षर करवाना है। और यहां पर मेला आयोजक के हस्ताक्षर, इसमें संस्था प्रमुख या जो शिक्षक है विद्यालय के वो यहां पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो यह है रिपोर्ट कार्ड जिसको कि कैसे भरना है इसके बारे में हमने जानकारी दी। तो साथियों आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से हमने रिपोर्ट कार्ड को किस तरह से भरना है, कौन कौन सी गतिविधियों का आयोजन कराना है इसके बारे में जानकारी दी है। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।